I'm uh sorry. -huh. इस अंक के लेखक हैं कृष्ण कुमार कृष्ण कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग में प्रोफेसर हैं। वे इस विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं उन्नीस में उन्हें जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप प्रदान की गई कृष्ण कुमार काफी समय से कहानियां यात्रा रिपोर्ट ताज और बच्चों के लिए कहानियां लिखते रहे हैं उनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें प्रकाशित हुई हैं ये हैं त्रिकाल दर्शन विचार का डर शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व राज समाज और शिक्षा तथा आज नहीं पढ़ूंगा कृष्ण कुमार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी लिखते हैं उन्होंने बच्चों के लिए सुंदरवन पूरक पुस्तक माला तथा स्वर्गीय निरंकार देव सेवक के साथ महके सारी गली का संपादन किया कृष्ण कुमार के चुने हुए यात्रा संस्मरणों और रिपोर्टाज का संग्रह जिस पुस्तक में हुआ है वह है अब्दुल मजीद का छुरा इस पुस्तक में उनकी सुपरिचित और अनूठी गद्य शैली का बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिलता है कृष्ण कुमार की अपनी रुचियों और दृष्टि क्षमता के अलावा पिछले दो ढाई दशकों के देश विदेश के अनेक जीवन संदर्भों की पहचान इस पुस्तक के निबंधों में साफ साफ दिखाई पड़ती है अब्दुल मजीद का छुरा पुस्तक का प्रकाशन किताब घर ने किया है हमने कृष्ण कुमार को किताब की दुनिया में आमंत्रित किया उनसे बातचीत कर रहे हैं रविंद्र त्रिपाठी कृष्ण कुमार जी आपकी पुस्तक यात्राओं से संबंधित है लेकिन साथ साथ एक बहुत अच्छे संवेदनशील और आत्मीय हिंदी गद्य का भी उदाहरण है मैं पहला सवाल तो आपसे यही पूछूंगा कि इतना अच्छा जो गद्य आपने लिखा है उसमें यह चिंता भी है कि हिंदी गद्य भी अपने आज थोड़ा सा सिकुड़ रहा है उसमें संकोच आ रहा है उतना लिखा नहीं जा रहा है तो यह जो भारतीय खासकर के हिंदी समाज में गद्य जो संकट में आ चुका है उसकी क्या वजह मानते हैं आप रविंद्र जी ये तो एक बहुत बड़ा और मैं कहूँगा कि एक समाजशास्त्रीय सवाल है क्योंकि किसी समाज में किसी दौर में गद्य का बहुत अच्छी तरह लिखा जाना या किसी अन्य दौर में गद्य की अवहेलना होना ये बहुत से और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई बात है इसलिए इसका बहुत संक्षेप में तो कोई एक उत्तर मेरे पास नहीं है विशेषकर एक रचनाकार के रूप में तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर परिवेश में गद्य नहीं भी है तो भी उसमें एक रचनाकार का हस्तक्षेप यही हो सकता है कि वो परिवेश के बावजूद जैसा गद्य लिखना चाहता है वैसा लिखे और मुझे बड़ी खुशी है कि आपको ये गद्य पसंद आया ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि ये मेरा गद्य है क्योंकि इस अर्थ में कि पिछले 20-25 साल में जिन तमाम लेखकों पत्रकारों संपादकों के संपर्क में मैं आया और जिस तरह के माहौल से हम गुजरे हैं इस समाज में उस सब की देन किसी व्यक्ति का गद्य होता है इसलिए इस पर कोई मेरी छाप हो या मेरा अधिकार बनता हो ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि हिंदी में बड़े सुंदर गद्यकार हुए हैं और आज भी हैं बस ये है आपका कहना सही है कि आज गद्य की सुंदरता उसकी कसावट की ओर से हमारा ध्यान कुछ हटा हुआ है और इस कारण से लगता है कि जैसे हिंदी में बहुत कम अच्छा गद्य लिखा जा रहा है तो मुझे यह भी लगता है कि हिंदी में कुछ जो संस्थाई हिंदी गद्य लिखा गया है चाहे वो सरकारी हिंदी विभागों में हो चाहे वो विश्वविद्यालयों में हो चाहे वो विद्यालयों में हो एक अच्छे गद्य के लिए जो एक संस्थाई ज़रूरत होती है वह हिंदी के संसार को उपलब्ध नहीं है जैसा कि आपने कहा कि खुद रचनाकार अपने स्तर से अपने प्रयास से तो लिख रहे हैं पर एक स्कूल के बच्चे से आप जो संस्कार अच्छे गद्य का डालते हैं और चूंकि आप एक शिक्षा शास्त्री भी हैं और शिक्षा के भी पहलुओं से जुड़े हुए रहे हैं मुझे लगता है कि हिंदी भाषी समाज में अच्छे गद्य के लिए उचित औपचारिक वातावरण तैयार नहीं किया जाता है और जो लोग अच्छा गद्य लिखते हैं वो उसके बावजूद लिखते हैं उसके कारण नहीं।, नहीं लिखते नहीं ये ये आपकी बात काफ़ी वजन रखती है कि हिंदी समाज में विशेषकर हिंदी प्रदेशों में जो शिक्षा की उपेक्षा है उसकी एक बहुत बड़ी कीमत समकालीन हिंदी रचनाशीलता को चुकानी पड़ रही है और ख़ासतौर से इस बीच में जो एक बहुत बड़ा विभाजन उभर रहा है अंग्रेजी माध्यम स्कूलों और सामान्य सरकारी स्कूलों के बीच उसकी भी और दृष्टिपात करना पड़ेगा हालांकि वो हमारा विषय नहीं है आप देखते होंगे कि किस तरह महाराष्ट्र में या बंगाल में आज भी आपको मराठी मीडियम प्राइवेट स्कूल मिल जाएंगे जो सरकारी व्यवस्था से अलग एक उत्कृष्ट शिक्षा मराठी माध्यम में देते हैं पर आप देखेंगे कि हिंदी प्रदेशों में कहीं हिंदी मीडियम प्राइवेट स्कूल नहीं मिलेगा वो केवल सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ अगर सरकारी स्कूल का कोई विकल्प प्रस्तुत करना चाहता है तो वो अंग्रेज़ी मीडियम में ही करता है और ये सच है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई का जो कुल मिलाकर के स्तर ह्रास हुआ है उसी का एक हिस्सा हिंदी की पढ़ाई का ह्रास भी है जिसकी ओर शिक्षाविदों का ध्यान भी नहीं गया एक तरह से हमने मान लिया है कि हिंदी तो हमारी भाषा है इसकी ओर क्या ध्यान देना या इसकी पढ़ाई की ओर क्या ध्यान देना बच्चे पढ़ ही लेंगे पर आपका कहना बिल्कुल सही है कि जितनी मजाई स्कूल में होनी चाहिए बच्चे की लिखने की क्षमता की और उसकी पढ़ाई का जो विस्तार होना चाहिए भांति भांति के लेखकों कवियों को पढ़ने की सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ने की बात नहीं जो एक तरह से मेरी पीढ़ी में सरकारी स्कूल में भी उपलब्ध थी जो एक, एक अवसर उपलब्ध था वो आज नहीं है और इसलिए लिखने का अभ्यास स्कूल में जो होना चाहिए कॉलेज में होना चाहिए और जो पढ़ाई का अनुभव तरह तरह का साहित्य पढ़ने का अनुभव इन दोनों की कमी से एक समस्या तो आई है फिर भी मैं एक रचनाकार की तरह आपसे कहना चाहूँगा कि वो रचनाशीलता ही क्या जो शिक्षा की मोहताज हो रचनाशीलता तो ज़मीन से आनी चाहिए शिक्षा चाहे बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो जाए और आप देखते हैं कि स्वतंत्रता के पहले के युग में आखिर शिक्षा व्यवस्था कोई आज से बेहतर नहीं थी फिर भी इतना सुंदर गद्य हिंदी में लिखा गया और बड़ बड़े बड़े गद्यकार पंडित रामचंद्र शुक्ल जैसे गद्यकार हुए जिन्होंने अपना सारा जीवन गद्य की मजाई में लगा दिया पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी जैसे गद्यकार हुए जिन्होंने इतना ललित गद्य लिखा और शिक्षा की चिंता भी बख्शी जी में बहुत ज़बरदस्त नहीं लेकिन ये देखिए कि आपकी अपनी पुस्तक में आपने अपने यात्रा वृतांत में लिखा है जबलपुर में आपको पदमलाल, पुन्नालाल बख्शी किताब तक किस वहां के दुकान नहीं, में नहीं मिला यह जो हिंदी गद्य का उपलब्ध समाज के जिसको कहते हैं औपचारिक केंद्र से पुस्तक के जो जो दुकानें हैं उससे गायब है हिंदी किताब जिस आदमी ने इतना अच्छा गद्य लिखा हो उसी किताब आज मिलना दुर्लभ है ये भी अपने आप में और आपको खुद नहीं मिला जबलपुर में <laughs> हाँ जी, कोई वहीं से वो प्रकाशित वहीं से प्रकाशित तो थो 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 ये तो एक यात्रा वृत्तांत का जो एक एक, एक ख़ास एक कह लीजिए एक बड़ा एक ग्रह विरह का पहलू होता है वो जिसको मैंने वहाँ उभारा है आ, उसका हिस्सा था कि उसकी तलाश में मैं निकला हालांकि कोई भी जानता है कि आज आप आ, किसी शहर में अगर आप वहाँ से जुड़े हुए किसी साहित्यकार की किताब ढूँढें तो कहीं भी नहीं मिलेगी रायपुर में श्रीकांत को की कोई किताब ढूंढना आ, उतना ही मुश्किल होगा जितना जबलपुर में मेरे ले, ले पक्षी जी का हुआ ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं था ये सच्चाई है व्यापक सच्चाई है कि हमने अपने साहित्य की साहित्य केंद्रों की सच्चाई तो सही ही बड़ी है कि दिल्ली में भी मिलना मुश्किल हो जाए लेकिन फिर भी मैं नहीं सोचता कि हमें हिंदी गद्य की बात आते ही छाती पीटना चाहिए क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि हिंदी गद्य में बहुत जान है और तरह तरह की संभावनाएं हैं जो तरह तरह से तलाशी जा रही हैं और इस मुझे लगता है कि जैसे एक छोटा सा प्रयास है भले ही कि आज एक प्रकाशक आज भी एक प्रकाशक अगर यात्रा वृत्तांतों के संग्रह को छापने का साहस दिखाता है और वो बिक भी रहा है इससे पता लगता है कि ऐसा नहीं है कि अच्छे गद्य के कद्रदान हिंदी में नहीं है आपकी इस पुस्तक में एक भारतीय समाज की भी यात्रा है आपने हमारे छोटे कस्बों नदियों और उससे जुड़े स्थलों की यात्रा की है और इसमें स्टूडेंट की यात्रा का भी वृतांत है कनाडा भी है यूरोप भी है तो एक जो भारतीय जगत की यात्रा और यूरोपीय जगत की यात्रा करते के बीच में आपके अनुभव जगत में क्या आपका विशिष्ट फ़र्क क्या नज़र आया आपको देखिए ऐसा है पहली हुँ. बात तो मुझे कहने लायक जो बात लगती है ये है कि हमारे ख़ास तौर से हिंदी भाषी समाज में एक यूरोप का और उत्तरी अमेरिका का ये कुल मिला के पश्चिम का एक बड़ा ही एक जिसको कहते हैं ना कि एक स्टीरियोटाइप एक बहुत बड़ा एक हमने एक विराट एकीकृत एक, एक रूप बना लिया अपने मन में कि ये सब पश्चिम है और बहुत कुछ मुझे लगता है कि श्रीकांत और निर्मल जैसे लेखकों ने उसके बनने में एक योगदान दिया है नायपॉल ने भी दिया है एक योगदान कि हम अब पश्चिम को एक मोनोलिथिक समाज के रूप में देखते हैं ये नहीं, नहीं इंडस्ट्रियल सोसाइटी जी ये नहीं देख पाते हैं कि पश्चिम में भी अनेक छटाएं हैं पश्चिम में भी अनेक समाज हैं और उन सब समाजों को किसी एक ओखली में डाल के उनकी अगर कुटाई की जाए तो ये गलत होगा जैसे कि पूर्व में दक्षिण एशिया में तरह तरह के समाज हैं वैसे ही पश्चिम में है इसलिए जब आप स्वीडन का यात्रा वृत्त पढ़ रहे होंगे तो आपने खुद ही महसूस किया होगा कि ये वृत्तान्त कई विशिष्ट अर्थों में एक छोटे से समाज का वृत्तांत है कोई पश्चिम का वृत्तांत नहीं है ये यूरोप का वृत्तांत नहीं है आम, स्वीडन में जो एक खेतीहर समाज आ, आ, के टूटने से पैदा हुई पीड़ा आज तक जीवित है औद्योगिकरण के चरम विकास के बावजूद ये जो संघर्ष चल रहा है खेती समाज की चेतना में और एक औद्योगिक समाज की एक जिसको आधुनिक समाज कहते हैं उसकी चेतना के बीच जो संघर्ष आज भी स्वीडन में जीवित है और जो उसकी रचनाशीलता का एक स्रोत है उसको पकड़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि हमें इस समस्या इस व्याधि से बचना चाहिए कि सारे पश्चिम को एक धान बाईस पसेरी करके तोल देने की जो एक प्रथा चल पड़ी है हमारे यहाँ लेकिन आपने जो पूछा कि भारतीय यात्रा अनुभवों में और वहाँ के यात्रा अनुभवों में बुनियादी रूप से कोई फर्क हो तो ऐसा तो कोई फर्क नहीं देखिए यात्रा में जो एक किसी भी यात्रा में जो एक अनिश्चितता का तत्व होता है कि आप क्या देखेंगे क्या चीज़ है जो आपको अपनी तरफ खींचेगी और जो एक बे आरामी और एक जो बेचैनी जो एक यात्रा के एक अनिवार्य और कई बार बड़ा सुखद पहलू भी होता है एक अजीब अर्थ में वो पश्चिम में भी उतना ही जितना हमारे यहाँ है ठीक है यात्रा वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा शायद जिसको कहते हैं कि भौतिक सुख संपन्न होती है हमारे यहाँ शायद कई भौतिक कष्ट बावजूद तमाम आरक्षण और उठाने पड़ते हैं फिर भी मुझे लगता है कि बुनियादी रूप से तो कोई फर्क नहीं है और स्वीडन की यात्रा में तो मुझे अनेक कष्ट उठाने पड़े जो आपने खुद ही पढ़ के देखे होंगे अच्छा इस यात्रा प्रसंग में आप ने जो बात उठाई है कई बातें उठाई हैं आपने एक बात मुझे वो बात लगती है कि ये जो भारतीय समाज में हिंदी में एक मिथक बनाम यथार्थ की बहस बहुत लंबी है और आपके नर्मदा की यात्रा संबंधी जो संस्मरण है उसको पढ़ते हुए मुझे लगती है लगता है ये बात लगती है कि कहीं हिंदी समाज मिथक को सिर्फ दिमाग में तो नहीं जी रहा है नहीं, नहीं हम जिस संस्कृति को महान मानते हैं और बार बार उसके बारे में घोषणाएं करते रहते हैं गंगा हमारी इतनी महान नदी है और निश्चित रूप से वो देश की संस्कृति के केंद्र में है वो गंगा प्रदूषित हो रही है और उसके बारे में समाज में कोई व्यापक चेतना उद्दिलन नहीं है कुछ आंदोलनकारी हैं जो उसके बारे में सचेत हैं पर व्यापक समाज कहीं सचेत नहीं है वही नर्मदा को लेकर के इतनी बड़ी परियोजना है वहाँ इतने बड़े स्तर पर प्राकृतिक विनाश होने जा रहा है लेकिन समाज में जितने स्तर हैं उसमें व्यापक उद्वेलन नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा समाज एक सच में एक मिथक के स्तर पर जी रहा होता है और यथार्थ में चीज़ें हो रही हैं उसको कोई खास उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा होता है या अलग तरीके से ध्यान दे रहा होता है आपकी बात मुझे कई स्तरों पर संवेदित करती है आपने पहले गद्य की अवहेलना की बात उठाई हम लोग ये भी देखते हैं कि यात्रा वृत्तांत की जो विधा है वो भी काफी हमारे यहाँ इस समय सिमटी हुई है पहले से भी काफी सिमटी हुई रही है इस समय तो बहुत ही दुर्लभ है और अब आपने तीसरी बात उठाई कि बाह्य जगत में नदी जितने विराट सांस्कृतिक सत्य में भी हमारी एक दैनिक निष्ठा या हमारी दैनिक रुचि नहीं दिखाई देती हम अपनी नदियों को गंदा होता हुआ कहीं पर्यावरण की दृष्टि से एकदम नष्ट होता हुआ देख भी उद्वेलित नहीं होते हैं यद्यपि हम इतनी भारी संख्या में वहाँ पूजा के लिए जाते हैं और अपनी श्रद्धा वहाँ दिखाते हैं इत्यादि इन तीनों चीजों के बीच मुझे संबंध लगता है कि आज भी मुझे लगता है कि हमारे समाज में पूरे भारत पर तो कोई शायद साधारणीकृत बात कह देना अक्सर गलत होता है भारत बहुत बड़ा समाज है तरह तरह के लोग हैं लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम जिस भाषा के समाज में हम उठते बैठते हैं उत्तर भारत का जो समाज है उसमें आज भी चीज़ों को एक आंतरिक एक अमूर्त स्तर पर जीने की और जी कर उनसे एक प्रकार से समझौता कर लेने की वृत्ति बहुत व्यापक है और शायद यात्रा वृत्त न लिखे जाने के संदर्भ में गद के लिए जो एक मेहनत और चैन और एक लंबे संघर्ष का जो एक एक अनिवार्य कह लीजिए एक प्रतिमान होता है उससे बचने के संदर्भ में और आपने जो नदियों की अवहेलना की बात की उसके संदर्भ में मुझे एक बात तीनों में एक बात लगती है कि शायद हम आज भी अपने वाह जगत से घबरा कर कई बार या कई बार वैसे ही उसको दूर दुरा कर अपने भीतर एक चैन महसूस करते हैं अपने भीतर सिमट आना चाहते हैं अपने घर के भीतर और घर भी अगर कुछ दिक्कत देता है तो अपनी दिमाग की दुनिया में लौट आना चाहते हैं इस तरह की विधाएं जो हमें बाहर ठेलती हों प्रकृति को देखने पर विवश करती हों वास्तविक दुनिया से रूबरू होने के लिए जो हमें द्विलित करती हों ऐसी विधाओं से हम बचते हैं यद्यपि बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने विधाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और कम से कम नदियों के बारे में तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ नर्मदा में गहरे ये जो इसमें एक लेक है वो तो एक नदी से मेरे मन में जो कष्ट पैदा हुआ उसको देखकर कई जगहों पर नर्मदा को मैंने देखा है कई बार देखा है लेकिन खास तौर से जहाँ वो बंध रही है एक बहुत बड़ी और विवादास्पद परियोजना से वहां पैदा हुआ कष्ट आ, मुझे लगता है कि शायद आज बहुत सी और नदियों पर साहित्य में प्रतिबिंबित होना चाहिए गंगा पर तो विशेष रूप से प्रतिबिंबित होना चाहिए जो मतलब कहते हुए अजीब लगता है कि गंगा आज एक बहुत ही गंदी की जा चुकी नदी है ये जो हमारे बच्चे आज जो हैं उनके ऊपर एक बहुत ही मशीनी सभ्यता और औद्योगिक सभ्यता का दबाव बढ़ रहा है जैसा कि आपने स्कीमों के बच्चों के बारे में जिक्र किया है इस पुस्तक में वो अभी भी वहाँ के तंबाकू का सेवन तीन चार साल की उम्र से कर रहे हैं और भारतीय समाज में भी बच्चों को लेकर के कई तरह के संकट हैं शिक्षा उन्हें नहीं दी जा रही है नर्मदा के किनारे आपको लड़की मिली जबलपुर के किनारे जो बहुत ही टूटी हुई फटी हुई किताब पढ़ रही थी सत्य कथा पढ़ रही थी भी फटी हुई थी पुरानी सी किताब ये जो हमारे समाज में ये जो बच्चों के भविष्य को लेकर के जो जो हो रहा है आप कैसा देखते हैं कि उनके साथ हमारे समाज में जो होना चाहिए एक यात्रा वर्तंत्र के स्तर पर आपने देखा ही है मैं एक पूरे परिवेश के विश्लेषण करते हुए मैं चाहूँगा कि बच्चों का क्या भविष्य लगता है आपको इस समाज में नहीं अब देखिए इस पुस्तक के संदर्भ में तो इसका उत्तर बड़ा मुश्किल है कि क्या बच्चों को लेकर एक विशेष निराशा महसूस होती है मुझे जब मैं देखता हूँ क्योंकि बचपन कई स्तरों पर जिया जाता है वो केवल शिक्षा या स्कूलों में नहीं है स्कूल में भारतीय बचपन का एक बहुत ही विशेष रूप से उदास चेहरा दिखाई देता है या स्कूल से जुड़े हुए संसार में पर स्कूल के बाहर भी एक बहुत बड़ा संसार है जिसमें आप बच्चों को अनेक भूमिकाओं में देखते हैं उनमें से कुछ भूमिकाएं आपको उदास करती हैं तो कई भूमिकाएं आपको एक सुखद अनुभव भी देती हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने केवल उदास छवियों को ही नहीं पढ़ा होगा और भी छवियां देखी होंगी ये सब कनाडा में आपने एस्किमो बच्चों का जिक्र किया ये बहुत बड़ी सच्चाई है और ये दरअसल सारी दुनिया में आदिवासी समाजों के साथ जो एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट रही है औद्योगिकरण की प्रक्रिया के साथ जो शुरू हुई थी और जो आज तक घटती चली जा रही है उसी का एक रूप है और हमारे यहाँ भी आदिवासी समाजों में इस तरह की अनेक स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं लेकिन कुल मिलाकर ऐसा कोई एक बहुत ही एक बड़ा एक कटु सत्य कह देना कि भारतीय बचपन का या विश्व के बचपन का आज क्या भविष्य है बहुत मुझे मुश्किल लगता है इसमें एक आपने शायद लेख पढ़ा हो पिप्पी का संसार जो स्वीडन के <clears> एक उपन्यास से ली गई जो एक बाल नायिका है वहाँ की बड़ी मशहूर नायिका है पिप्पी जिसका हर घर में जिक्र होता है उसके ऊपर ये लेख है अगर आप उसके दृष्टिकोण से देखें तो मुझे लगता है कि बचपन अपने आप में लगातार वयस्कों द्वारा बनाई गई दुनिया से टकराने का नाम है और कम से कम पिप्पी की भावना तो यही है जिसको मैंने उसमें अभिनंदित किया है एक तरह से कि पिप्पी एक आदि बचपन की प्रतीक है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो भले ही हमारे यहाँ किसी एक विशेष चरित्र के रूप में ना उभरी हो यद्यपि हमारे यहाँ भी कौशिक जी ने प्रेमचंद ने बचपन के अनेक ऐसे रूप उभारे थे जिनमें बचपन टकराता है दुनिया से आखिर हामिद का खिलौना कुछ नहीं तो एक बनी हुई दुनिया से टकराने की प्रक्रिया है तो मुझे लगता है कि इसलिए भले ही शिक्षा के संदर्भ में हमारे यहाँ बचपन का एक बड़ा ही एक रोगी और बड़ा उदास रूप उभरता है लेकिन मुझे लगता है कि एक रचनाकार के रूप में हमें बचपन को एक ज़्यादा बड़े फलक पर देखना चाहिए आपकी पुस्तक में कविताएं बहुत हैं बहुत ना भी हो तो कहें कि पर्याप्त संख्या में हैं और 20-25 कविताएं तो हैं ही हैं इसमें कवि के रूप में आपके अभी तक एक अपने पहचान जानबूझ कर शायद नहीं बनाई है पर कविता जो इसमें आती है तो आपने कविता की विधा पर खास ध्यान कभी क्यों नहीं दिया एक कवि एक अच्छे कवि होने के बावजूद भी आपने कविताएं कम क्यों लिखी या एक कवि बनने की राह पर आप नहीं गए गद्दकार बनना आपने क्यों देखिए मैं पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं कतई कवि नहीं हूं और ये कहते कविताएं तो अच्छी हैं जो आपने लिखी मैंने कविताएं लिख डाली हैं पर मैं कवि नहीं हूं और ये कहते हुए मुझे बड़ा संतोष होता है क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे समाज में कुछ बहुत ही ज़्यादा कविता लिखी जा रही है एक समाज में कविता उतनी हो जितनी वो बर्दाश्त कर सके तभी कविता का सम्मान हो सकता है और मुझे हमेशा ही बचपन से ही लगा कि कविता मेरे लिए एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी मन हो जाता है लेकिन कविता को अपना जीवन समर्पित कर देना मुझे कभी संभव नहीं लगा बल्कि गद्य ही ने मुझे हमेशा आकर्षित किया क्योंकि गद्य में लगातार बहुत कुछ ठोका पीटी करने की जो एक गुंजाइश होती है उससे मैं हमेशा ही काफ़ी एक तरह से प्रलोभित महसूस करता रहा और यहाँ जो कविताएं हैं ये दरअसल यात्रा के दौरान जो एक मन की छटाएं होती हैं उन छटाओं को एक तरह से पकड़ लेने का प्रयास इन छोटी मोटी कविताओं में जिनको आपने इतना सराहा है मुझे बड़ी खुशी है कि आपने पसंद किया है पर फिर भी इनको मैं कवि की कविताएं नहीं कह सकता मुझे लगता है कि ये आप मतलब आपको पसंद आई बड़ी खुशी है लेकिन फिर भी ये कविताएं दरअसल यात्रा के दौरान की मनस्थितियों को जब क्योंकि यात्रा में आप जानते हैं कि कोई लंबा लिखना संभव नहीं होता कई बार आप खड़े हैं किसी समुद्र के सामने या किसी घाटी से ट्रेन गुजर रही है तो उस समय ये एक एक छोटी सी एक हाइकू की तरह एक छवि मन में बन जाती है जो शायद चार छः लाइन की दस लाइन की कविता के रूप में ही अंकित हो पाती है आप इनको इतना गंभीरता से नहीं लेंगे कि आप आगे चल के मुझसे ये अपेक्षा करें कि मैं और कविताएं लिखूं <laughs> मैं लेकिन ये जरूर मैं जानना चाहूंगा कि क्या वजह है कि जापान जब आप गए तो वहां पर आपने जो वृत्त में लिखा है कम से कम इस संकलन में सिर्फ कविता ही है गद्य नहीं है हाँ तो कहीं वो हाइकू वाली जो छवि है कि कुछ कविता में ही कुछ कर गुजारा जाए <laughs> ऐसा तो नहीं है हाँ शायद ये हो सकता है क्योंकि जापान में जापान की यात्रा के दौरान मेरे दिमाग पर ये बात वैसे भी हावी थी कि इस समाज में ऐसा क्या है कि हाइकू छंद यहीं आविष्कृत हुआ और एक तरह से यहीं रह भी गया आ, ऐसा क्या है इस समाज में और वैसे भी एक बात होती है देखिए कि अगर आप किसी समाज से किसी देश से कुछ ही दिनों के लिए गुजर रहे हैं जैसे जापान से मैं केवल दस दिन का ही मेरा परिचय है उतने कम समय में उस समाज को इतना जान लेना कि आप उसको कई स्तरों पर अपने मन में और अपनी लेखनी में विश्लेषित कर सकें रचा पचा सकें ये संभव नहीं हो पाता इसलिए उस जगहों पर जहाँ एक तादाद में बनता है किसी क्षण विशेष में वहाँ कविता एक तरह की डायरी बन जाती है एक तरह का लेख बन जाती है जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ की तार को चिट्ठी समझना या चिट्ठी को तार समझना तो ये तार को चिट्ठी समझने वाला मामला है कि एक संक्षिप्त सी एक छवि है उसको आप हाइकू कह लीजिए हालांकि ये हाइकू भी नहीं है और वैसे भी जो मेरे कवि मित्र हैं उनकी साधना देखकर मुझे कविता से थोड़ा डर भी लगता है कि अगर कविता लिखने के लिए ऐसा जीवन जीना ज़रूरी है तो वो तो बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए गद्य एक, एक ज़्यादा लंबी और एक ज़्यादा एक तरह की मैराथन किस्म की एक दौड़ होती है जिसमें मुझे ज़्यादा रस आता है अच्छा ये इस पुस्तक में बिहार से संबंधित आपकी कुछ यात्राएँ हैं ख़ास तौर से बिहार का जो आंदोलन हुआ था उन्नीस का जयप्रकाश नारायण जी से के नेतृत्व में जे के साथ भी एक बातचीत का भी इसमें हवाला है अब आपको नहीं लगता कि इतने वर्षों के बाद जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन पर चौहत्तर के उस आंदोलन पर जो आपने लिखा उस पर कुछ नए ढंग से भी सोचने की जरूरत है क्योंकि चौहत्तर का आंदोलन जो आशाएं उसने जगाई थी वो सब धुमिल हो गई हैं छत छत हो गई हैं और काफ़ी बिखरी हुई इधर उधर पड़ी हैं तो अपने उन अनुभवों पर उन यात्रा पर अब आप अब आप क्या सोचते हैं बिहार की उस यात्रा पर देखिए एक विश्लेषण परक लेख आज भी लिखने की ज़रूरत है ये तो सच है पर यहाँ इस संग्रह में उन तीन चार लेखों को स्थान देने का प्रयोजन सिर्फ इतना ही था कि जो वो एक रिपोर्टाज किस्म के संस्मरण थे एक राजनैतिक उथल पुथल से गुजरते हुए समाज की यात्रा थी वो तो मैं चाहता था कि ये उसी रूप में कहीं ना कहीं संग्रहित हो जिस रूप में वो तब छपी थी और यहाँ ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि उसमें से कुछ सवाल उपजें हालांकि ये सवाल बिल्कुल वाजिब है कि आज उसका क्या हुआ अब अगर वो उस तरह से देखा जाए तो ये सच है कि उस आंदोलन ने जो आशाएं जगाई थी वो आज नहीं बल्कि कई वर्ष पहले ही चुप गई थी जैसे कि आपने देखा होगा जो सरकार बनी थी सतहत्तर में और जो कुछ ही समय जीवित रही मुरारजी देसाई की सरकार उस दौरान भी जो बिहार आंदोलन से उपजी सामाजिक और सांस्कृतिक ऊर्जा थी उसका संरक्षण नहीं हो सका नहीं उसका कोई प्रयोग हो सका उसको बढ़ाने की बात तो बहुत दूर की चीज़ है और बल्कि उस आंदोलन से जो ऊर्जा पैदा हुई वो बहुत आसानी से कई सामान्य जो विकृत गलियां हैं राजनीति की उनमें वो खो गई या चली गई और कई के रूप प्रतिरूप आज भी बिहार की राजनीति में आप देख सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ एक दस्तावेज़ के स्तर पर एक ऐतिहासिक स्मृति के स्तर पर मुझे पचहत्तर चौहत्तर पचहत्तर का जे पी आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण लगता है आ, क्योंकि वो दिखाता है कि आप एक एकदम बिखरी हुई उजड़ी हुई स्थिति में से कितनी बड़ी ऊर्जा विकसित कर सकते हैं बशर्ते कि एक सांस्कृतिक एक सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व जैसी स्थिति पैदा हो जाए और एक आश्चर्यजनक अनुभव था मेरे लिए वो सन पचहत्तर की बिहार यात्रा कि जिस प्रदेश में शिक्षा की और कई सामाजिक संस्थाओं की बड़ी ध्वस्त दशा हो वहाँ पर एक इतना बड़ी उम्र का एक नेता आज भी इतनी जान फूंक सकता है कि वहाँ के किशोर किशोरियाँ इतने आदर्शवादी हो जाएं और बड़े पैमाने पर वो एक समाज की पुनर्रचना के लिए निकल पड़ें भले ही वो एक क्षणिक ऊर्जा थी और भले ही वो एक क्षणिक पुनर्रचना ही सिद्ध हुई फिर भी वो एक बड़ी भारी ऐतिहासिक स्मृति है बशर्ते की उस स्मृति का संरक्षण किया जाएगा आखिरी सवाल मेरा यह है कि आपकी यात्रा का जो अगला चरण है या यात्रा या संस्मरण लेखन का अगला चरण है वह क्या है इस समय एक तो मैं अभी गर्मियों में गंगोत्री गया था इस समय एक तो मैं वहाँ की यात्रा के ऊपर एक संस्मरण लिख रहा हूँ और इसके अलावा इधर के एक दो वर्षों में एक दो यात्राएं मैंने ऐसी की हैं जो अभी मैं लिपिबद्ध नहीं कर सका हूँ विशेषकर नर्मदा के इलाके की कुछ और यात्राएं मैंने इस बीच में की जिनको मुझे लिपिबद्ध करना है और जैसा आपने देखा इसमें कि कई छोटे छोटे कस्बों की तो मेरे पास कई महत्वपूर्ण ऐसे कुछ नोट्स हैं कुछ छोटे कस्बों पर जो मुझे लगता है कि लिखे जाने चाहिए और एक एक दो ऐसे लेख भी हैं जो आ, बिल्कुल ही जो एक चिरपरिचित इलाके हैं आ, उनके बारे में हैं जो आप आने वाले दो तीन सालों में देखेंगे अच्छा कृष्ण कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद बहुत खुशी हुई आपके सवालों से